अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लंदन में अपने इलाज के बाद इस्लामाबाद में पहली बार एक आला तरीन इजलास की सदारत की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत की, जिसमें तमाम सरबराहान अफवाज पाकिस्तान मौजूद थे और अहम वज़रा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और दूसरे आला अहदेदारान बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ISI के सरबराह भी। उसके बाद पहली बार एक जलसा आम से भी वज़ीर आज़म ने खिताब किया आज़ाद कश्मीर में। ये एक विक्ट्री स्पीच थी। एक दिन पहले ही आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इंतखाबात के अंदर एक बड़ी कामयाबी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपने मुखालफीन के ऊपर तंज के बहुत से तीर भी बरसाए। और आज की इन मीटिंग्स के बाद हमने ये खबरें भी सुनी कि सिंध के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी एक फ़्लाइट लेकर दुबई रवाना हो गए, जहां वो अपने वालद मोहतरम और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से ये मालूम करेंगे कि आया सिंध के अंदर जो रेंजर्स के अख्तियारात हैं उनको अंदरून सिंध तक तोसी दी जाए या ना दी जाए। और आज ही कोर कमांडर कराची ने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह से भी मुलाकात की और इस हवाले से जो है गुफ्तगू की। और इस मुलाकात के बाद फिर कायम अली शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफ किया और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ पैगाम लेके दुबई रवाना हो गए, जहां वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि रेंजर्स के अख्तियारात के हवाले से फ़ैसला कराची में नहीं दुबई में होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी करेंगे। ये तमाम अहम वाक़ियात हैं और इन वाक़ियात के हवाले से बात करने के लिए आज हमने एक बहुत ख़ास मेहमान को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मगर फिर भी बताते चलें कि सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी है इंटर पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन की, उसके सरबराह हैं और पार्टी के मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में, और फिर सेक्रेटरी इतलात भी हैं हुकुमरान जमात मुस्लिम लीग नून के। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि आप आज बड़े गैर मुल्की दौरे से आप भी नवाज शरीफ साहब की तरह बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में वापस पहुंचे हैं, ये आपका दौरा क्या था? सेहत तो ठीक थी आपकी और कितना तवील था, कहाँ कहाँ गए और मकसद क्या था इस दौरे का? मैं एक तो कॉन्फ्रेंस थी चिली में तो वो उसके मैं हेड था उसका डेलीगेशन का, उसमें 3-4 और सेनेटर भी थे, सेक्रेटरी सेनेट थे। ये चिली में कॉन्फ्रेंस हो रही बहुत दूर जी। हाँ, किस ये वर्ल्ड इसकी पार्लियामेंट की थी, ये ई पार्लियामेंट के हवाले से थी। अच्छा, ई मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा वो जो सिस्टम मजीद इधर उधर, बहरहाल अच्छी थी बड़ी, मतलब कि इंटरनेशनल थी, जाहिर है दुनिया के बहुत लोग आए हुए थे उसमें, पार्टिसिपेशन रही और भी लोगों ने की, मेरी तकरीर भी हुई वहाँ पे। इंडिया का वफद नीचे बैठा हुआ था। अच्छा, और मैं ऊपर बैठ कर तकरीर कर रहा। आपने इस ई का पार्लियामेंट के तकरीर में भी इंडिया को तो रगड़ दिया होगा? नहीं मैंने नहीं जो तकरीर उसमें तो लिखी हुई तकरीर की जाती है। मौजू क्या था ई पार्लियामेंट से क्या मुराद? इलेक्ट्रॉनिक पार्लियामेंट, ये जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है जो अभी नाफिज बहुत सारी पार्लियामेंट्स में हो गए पाकिस्तान में नहीं हुए, उस हवाले से भी थी, उसके कुछ फवायद ये वो सारी थी। वो कितने लोग गए थे सर? मैं था और 3 सेनेटर मेरे अलावा और कौन थे? एक वो सेनेटर सैफुल्ला थे। अच्छा। एक सईद उल हसन थे अपने मंदुखेल, और एक थे औरंगजेब साहब फाटा के, और सेक्रेटरी सेनेट थे अपने 10 दिन का दौरा था परवेज साहब। 10 दिन का नहीं था, कम का था, लेकिन उसके अलावा फिर प्राइवेटली हम ब्राज़ील भी मैं गया, तो उधर अर्जेंटाइन भी गया, तो फिर लंदन जाते वक्त भी गया था मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी सेहत का। फिर वापसी में भी उन्होंने कहा था कि मुझे मिल के जाना, तो मैंने उन्हें सी ऑफ भी किया था, फिर मुझे अपने आप का भी चेकअप भी कराना था। अच्छा। तो बहुत सारे काम जो है वो एक साथ ही हो गए। लेकिन ये जो ई कॉन्फ्रेंस में आप गए, सिर्फ सैरें की या पाकिस्तान के लिए कुछ सीखा भी? देखें सैर देखें, इतनी दूर सैर करना या जाना इतना आसान काम नहीं होता, और ये जो होती है ना, इसमें ये जो स्लॉट होते हैं बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के, उसको खाली कभी भी नहीं देने चाहिए, वहाँ पे ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, वरना फिर वो एक तो बुलाना भी छोड़ देते हैं। नंबर दो, मैंने ये महसूस किया, मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में जा चुका हूँ, हेड भी कर चुका हूँ, अभी पीछे मंगोलिया में मैंने हेड किया था, इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में भी मैंने तकरीर की, वहाँ पर एक वो कॉन्फ्रेंस थी इसके जंगलात के बारे में, फिर कोरिया में मैंने की पीछे वो वाटर कॉन्फ्रेंस थी, इस तरह की चीज़ें हैं।
इसमें मैंने ये फील किया और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की एक बड़ी ख़ास अहमियत है और पाकिस्तान को बड़ा वज़न दिया जाता है, तो पाकिस्तान को वहाँ जाके अपना मौका बयान करना चाहिए था। अभी मंगोलिया में मैंने जो तकरीर की वहाँ पे, तो उसमें सीपैक के हवाले से कुछ बात की, तो जो चीन की शायद डिप्टी मिनिस्टर थी वो आई हुई थी, तो उसने वो बाकायदा ढूंढ रही थी मुझे। अच्छा। और वो उसने ढूंढ के बाकायदा मुझसे मुलाकात की। कुछ ज़्यादा परेशान तो नहीं थी? नहीं, वो बहुत खुश थी। अच्छा। पाकिस्तान पे और ख़ास तौर से मेरी तकरीर पे जो मैंने रिमार्क्स दिए उस पर उसने फिर वो मुझे तोहफा भी कह दिया। अच्छा। इसलिए और खुश थी। तो ये क्योंकि इसलिए पूछ रहे हैं ना कि माशाल्लाह ये दौरा तो बड़ा अहम था और आप कहते हैं जाना भी चाहिए, मगर इसमें पैसा किसका लगा? पैसा तो हुकूमत का ही लगता है आने जाने का, और बाकी जो हमारा प्राइवेटली था लंदन का वो हमारा। अच्छा। चलें, आप क्योंकि आप वापस आ गए और पाकिस्तान में जो सियासी, ये जो है ना, ये नॉन इशू होते हैं, पैसा किसका लगा किसका नहीं लगा। असल बात ये है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारी दुनिया करती है, नेपाल और भूटान जैसे मुल्क भी करते हैं, अफगानिस्तान भी करता है, कजाकिस्तान करता है, किर्गिस्तान करता है, तुर्कमानिस्तान करता है, छोटे छोटे मुल्क ट्रिनिडेड, अल सल्वाडोर, यूरोगाए, पैरोगाए। आप इस दौरे के हवाले से आप पार्लियामेंट को कोई रिपोर्ट देंगे, कोई ब्रीफिंग तो देंगे? जाहिर है रिपोर्ट उसकी बना के देनी पड़ती है, वो हम दे देते हैं, लेकिन अच्छा। असल बात तो यह है कि आपने वहाँ पर शिरकत की, पाकिस्तान का नाम हुआ। देखें, ये मजाक बात नहीं है कि इंडिया का डेलीगेशन जो है वो नीचे बैठा हुआ है और पाकिस्तान जो है वो उसका जो नुमाइंदा है वो तकरीर कर रहा है, स्टेज पे चार लोग बैठे हुए थे, तो इसके पीछे कोई एफर्ट होगी ना। तो जो मैं ऊपर जाके बैठा था और मेरी स्पीच हुई वहाँ पे, स्पीच होना हर एक की तो नहीं होती ना, तो ये इससे यानी कि ये दुनिया जो ग्लोबल विलेज है इसमें जब तक आप अपनी हाज़िरी जो है वो यानी कि नहीं रखेंगे। अच्छा, चले आप ई पार्लियामेंट की बात कर ही रहे हैं, तो आपकी यहाँ हुकूमत तो इंटरनेट के ऊपर पाबंदियाँ बढ़ाती ही जा रही है, जो साइबर क्राइम बिल आया है, PTA को लामहदूद अख्तियार दे दिए हैं, वेबसाइटों पे बग़ैर किसी अदालती रजू के वो पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या तासर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से दुनिया में क्या तासर है? हमारा मीडिया जो है कुछ अर्सा पहले YouTube भी बंद रही है। जो पाबंदियां लगाने वाले हैं ना ममालिक, उनसे हमारा मीडिया तो ज़्यादा आज़ाद है, बल्कि कहीं ज़्यादा आज़ाद है। किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया ये या? किसी ने भी नहीं किया। अच्छा। ना हमने कोई ऐसा काम किया तो पॉइंट आउट क्यों करेगा? अच्छा। आप ई पार्लियामेंट के लिए जब आप बात करते हैं तो अपनी पार्लियामेंट को तो आप आवाम तक तो आप दिखाते नहीं हैं, कोई लाइव ट्रांसमिशन नहीं है उसकी, आपकी पार्लियामेंट की, सेनेट की कार्रवाई की भी कभी कभी होती थी, वेब पे होती, वो भी नहीं है अब, तो वो तो ममालिक अपने TV चैनल्स पे बराह रास्त अपने मुंतखब नुमाइंदों की कवरेज दिखाते हैं, आप दौरा करके आ गए, तकरीर करके आ गए, लेकिन इससे पार्लियामेंट को क्या फ़ायदा हो? कोई तब्दीली आएगी आपके जहन में है कुछ लाने के लिए, कोई ख़ास तजवीज़? देखें, बात यह है कि जो सेनेट है उसको भी दिखाया जाता है TV पे, बराह रास्त भी इजलास मुख्तलिफ दिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों की तकरीर दिखाई जाती हैं, और मीडिया जो है हर जगह मौजूद होता है, पहले स्टैंडिंग कमेटीज़ में नहीं होता था, अब हर स्टैंडिंग कमेटी में बैठा हुआ है, हर बात मीडिया के सामने होती है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जितने भी हैं, सेनेट की अपनी वेबसाइट है, उस पर उसका सारा बिजनेस जो पहले खुफिया हुआ करता था बिल्कुल ओपन है, तो यही होता है ना, और इससे ज़्यादा क्या यानी कि आपके एक साथी सेनेटर कहते हैं कि हम कानून साजी करने लगे थे एक ख़ास मौजू पे, तो वजारत दिफा की तरफ से लेटर आ गया कि हमारी इजाज़त के बगैर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर आप कानून साजी नहीं कर सकते, तो ये ई गवर्नमेंट ई पार्लियामेंट से कितने आप बड़े ताकतवर हो जाएगी आपके? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। देखें ना, मैं तो उस पर अपनी राय दे सकता हूँ जो बिल्कुल दो चार की तरह। फरतुल्लाह बाबर साहब की बात, फरतुल्लाह बाबर साहब ने की थी, तो फरत मुझे मालूम नहीं है उन्होंने क्या बात की। चले तो ठीक है, तो वो चले, हम तवक्को करते हैं कि आप फरतुल्लाह बाबर साहब ऐसे समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन जो उन्होंने बात की उन्हें ज्यादा मालूम है ना। चलें, आप इस पे कोई राय नहीं देना चाहेंगे? कैसे दे सकता हूं? चलें, आपकी सेनेट में, आप चूंकि पार्लियामेंट की बात हो रही है, हाल ही में ये तजवीज़ आई कि हुकूमत और फौज के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय होने चाहिए, तो ये हमारे सियासतदान और हमारे पार्लियामेंट और हमारे इदारे एक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के करीब ही क्यों इतने तगड़े हो जाते हैं और शेर बन जाते हैं? ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट न्यू की बात जो अब हो रही है, सेंटर रजा रबानी ने भी की और सेनेट के अंदर जो अभी हाल ही में डिबेट्स हुई उसमें ये चीज़ भी सामने आई, ये न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपके जहन में इससे क्या मुराद है? मैंने, हमारी हुकूमत ने तो ये कोई बात नहीं की,
آپ تو خاموش رہے ہیں لیکن آپ کے خیال میں آپ رد عمل تو دیں نا. رد عمل جب میری حکومت نے کوئی بات کی ہوگی تو میں دوں گا نا. بطور سیاستدان بھی نہیں بات کریں گے؟ نہیں, بطور سیاستدان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, اس کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کسی کو. بس یہی ہے میرے موٹی بات ہے, جھٹکا بات, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ ایف آئی اے ہو یا جو بھی ہو, جھٹکا. ہاں جھٹکا کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں تو ایسا ایسا ہوتی ہے یہ چیزیں, ایک دم ہوتی نہیں نا. ہمارے جھٹکے سے مراد سنگین غداری کے ملزم کو جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دینا, یہ جھٹکا ہے آپ کا؟ بات یہ ہے کہ سنگین غداری کے مقدمہ جو ہے نا, کون سے جھٹکا ہے؟ یہ بھی تو جھٹکا ہی ہے نا کہ کم از کم چلایا تو اس سے پہلے کسی کو ہوئی ہے ضرورت؟ مجھے بتائیں, مقابلہ تو دلے ناتوا نے خوب کیا. نہیں, آج بھی وہ اشتہاری ملزم ہے نا. ذرا مجھے ماضی کے ذرا جرنیل جو تالے آزمائی کرتے رہے, کیا کیا ان کا کسی نے؟ کسی حکومت کو ہوئی تھی توفیق؟ آج بھی اشتہاری ملزم ہے, عدالت کہہ رہی اس کو لے کے آؤ. تو یہ جھٹکا ہے, آپ یہ اس معیار کے جھٹکے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں اس, آپ میری بات نہیں سمجھے. جھٹکا بات کا مطلب ہوتا ہے کہ دو اور دو چار والی بات, آپ اس کو کہیں اور لے گئے. یہ جھٹکا. بہرحال کیا یہ وقت ہے کہ نیو رولز آف انگیجمنٹ طے ہونے چاہیے؟ نیو رولز آف انگیجمنٹ کی بات دیکھیں, کوئی ایسی کہیں پہ ہے ہی, موجود ہی نہیں ہے. کون سے رول, نئے رول بنے ہوئے ہیں؟ اچھا کیا رول موجود ہے, کیا رولز بنے ہوئے ہیں؟ بتایا تو ہے نا, آپ کے وزیر دفاع کو جی ایچ کیو میں بلا کے جو ہے وہ لیکچر دیے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں رولز یہ بنے ہوئے ہیں, منسٹر آپ کے جا کے حاضریاں دیتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی اور وہ بھی, یہ رولز ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ایچ کیو والے آتے نہیں وزیر اعظم ہاؤس؟ نہیں تو یہ وزیر دفاع, یہ رولز آف انگیجمنٹ آپ خوش ہیں؟ یہ جی ایچ کیو اس حکومت کے انڈر میں ہے. اچھا, یا جی ایچ کیو والا آئے گا یا ہم جائیں گے, ایک ہی بات ہے. اچھا, اور یہ ہو سکتا ہے جی ایچ کیو کوئی علیحدہ مملکت تو نہیں ہے کہ جی ہمارا وزیر وہاں پہ, جو وہ جی ایچ کیو ہمارے وزیر کے انڈر میں ہے. دیکھیں نا, میری وزارت کے انڈر میں جو مختلف ادارے ہوتے ہیں اس میں میں خود وزٹ کرتا تھا پہلے, اب تو نہیں. تو اگر کوئی وزیر اپنے مختلف ادارے جو اس کے انڈر میں وہاں چلا جاتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا, تو وہ وہاں پہ وزیر دفاع صاحب کو صدارت کی اجازت نہیں, باقی تو ٹھیک ہے سر. کون سے اجلاس جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس کی وہ ہیڈ نہیں کر سکتے, صرف یہ کیوں نہیں ہیڈ کر سکتے؟ اگر وہ ایسی ہوگی میٹنگ تو ہیڈ ہوں گے نا, ویسے جانا. یہ بتائیں, چلیں چھوڑیں, یہ بتائیں کیا آپ کے آرمی چیف وزیر دفاع کو سلیوٹ مارتے ہیں؟ مارتے ہوں گے, مجھے, میں نے تو کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا, لیکن ظاہر ہے وزیر دفاع ہے. اچھا, اب اس دن مطلب میں نے یہاں پہ یہ جو پریڈ ہو رہی تھی اس کو میں نے دیکھا کہ وزیر دفاع کو انہوں نے پورا یہ کون سا مہینہ ہے جو ہاں, یہ 23 مارچ کو پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر نہیں وزیر دفاع کو بھی انہوں نے فل پروٹوکول دیا تھا جو اس کا بنتا تھا. ٹھیک ہے, اس کی گاڑی جس طرح سے آئی ساری چیز, میں نے تو یہی نوٹ کیا. اب یہ بتائیں کہ جوں جوں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو کیا حکومت نے کوئی اصولی فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں, اور بطور سیاستدان آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا وقت کیا مطلب ہے کہ قریب آ رہا ہے؟ نومبر نہیں, نومبر تو ان کا ایکسٹینشن کا وقت تو نہیں ہے نا, ریٹائرمنٹ کا. ریٹائرمنٹ کہنا ایکسٹینشن کا بتائیے. اچھا دیکھیں, میری, مجھے کچھ نہیں پتا, میں نے پہلے بھی کہا ہے, میری رائے یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف نے جو مختلف, یعنی کہ انہوں نے کام ضرب عضب سمیت اور بہت ساری چیزیں, اب اس پہ اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ضرب عضب میں اسپیشلی, جس سے, اور یہ ضرب عضب حکومت اور کے نیشنل ایکشن پلان پارلیمنٹ کے فیصلے کے تحت ہوا تھا, اس پہ انہوں نے ان لیٹر ان اسپرٹ عمل کیا جس کے نتیجے میں ملک کے اندر دہشت گردی کم ہوئی ہے, اور دہشت گردی کم ہونے کی وجہ سے معیشت کے پہیے جو ہے وہ تیزی سے چلا ہے. کنٹینیوٹی رہنی چاہیے تو نہیں, نہیں میری بات سنیں نا, کنٹینیوٹی جو ہے وہ جو سسٹم ہے اس میں ہوتی ہے, افراد کی کنٹینیوٹی کوئی معنی نہیں رکھتی, وہ رہیں, اگر رہیں تب بھی ٹھیک ہوتا ہے, نہ بھی رہیں تو انڈسپنسیبل کوئی نہیں ہوتا. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ غیر معمولی آدمی ہے راحیل شریف صاحب, انہوں نے ایک باقاعدہ دو اور دو چار کی طرح ایک اعلان کیا ہوا ہے. اب مجھے کیا ضرورت ہے میں اس چکر میں پڑھوں کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, فیصلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, بڑی سمپل سی بات ہے, اور جب وقت آئے گا تو جنہوں نے فیصلہ کرنا وہی کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ کو عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی دکھاتے ہیں کہ اگر
तुर्की में जिस तरह बगावत नाकाम हुई, अगर पाकिस्तान में आती बगावत तो लोग मिठाइयाँ बांटते। एक वक्फे के बाद इसी हवाले से बात जारी रहेगी। ये भी बताते चले कि हम लाइव टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, दो नंबर हम अगर आप नोट कर लें 051-2203-419 और 051-2203-415, ये दो टेलीफोन नंबर हैं। आम लोग भी हमें इन टेलीफोन नंबर पे कॉल करके सेनेटर मुशाहिदुल्लाह से सवाल कर सकते हैं। वेलकम बैक अपने अपने गरेबान में। हमारे मेहमान हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। आपको इमरान खान के एक शॉर्ट सुना रहे हैं, एक उनकी तकरीर की झलकी जिसमें तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान फौजी बगावत के हवाले से उन्होंने कुछ मुवाजना किया। एक हुकूमत अवाम की खिदमत करती है, अवाम उसके साथ खड़ी होती है। पाकिस्तान में फौज आ जाए तो क्या होगा? मिठाइयां बांटी जाएंगी, लोग खुशियां बनाएंगे। जी मुशाहिदुल्लाह साहब, ये तो इमरान खान साहब ने बात की, ये बताएं कि तुर्की में तो लोग सड़कों पे निकले, टैंकों पे चढ़ गए, आगे टैंकों के लेट गए, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को भी ऐसा ही करना चाहिए या आप इस पर कोई राय नहीं रखते? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हर वक्त जो होता है ना उसके तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। ज़रूरी नहीं है एक चीज़ जो आज हो रही है कल भी वही बीतेगी, वैसे ही होगा। ठीक है, चार दफ़ा वहाँ पे भी फौज आ चुकी है, पांचवी दफ़ा नहीं आ पाई। ठीक है, अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वजह एक ये भी वजह है कि उन्होंने डिलीवर भी किया है, लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है। बात यह है कि अब आप चीज़ों को छुपा नहीं सकते, चीज़ें कैमोफ्लेज नहीं हो सकती, मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है एकदम। बात पहले तो ये पता ही नहीं लगता था ना कई दिन तक के हो क्या रहा है, तो उस चक्कर में हो जाती थी चीज़ें। फिर ये है कि ये हक जो है ना, ये तुर्की हो या कोई भी मुल्क हो, ये फौज का हक तो नहीं है ना हुकूमत करना। जिन भी ममालिक में हुकूमत करती है फौज, उसमें फौज जो है वो उसका नुकसान होता है। ये बताए ना, शहरियों को आप मशवरा क्या देंगे किसी ऐसी सूरत हाल के लिए? मैं मतलब के ये जो हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं ना उसके बारे में सोचता भी नहीं। जब होगा नहीं, जो आईनी और कानूनी, आईनी और कानूनी रियासत से वफादारी की जो आईनी शर्त है, बिल्कुल सारे लोगों को। आप मशवरा क्या देंगे? मशवरा देखें, अभी कुछ दिन पहले DGI SPR ने यह कहा है कि फौज जमहूरियत के पीछे खड़ी है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या जरूरत है बखेड़े में पढ़ने ने भी कह दिया तो कि अब इस बखेड़े में पढ़ने की कि जी कल को इससे बड़ी मुस्तनद बयान तो कोई और नहीं दे सकता। आप उन्हीं के बारे में सवाल कर रहे हैं ना? नहीं, आपने DGI SPR ने भी कह दिया तो फिर तो बस नहीं कह देनी। आपने कहा कि जी अगर वो आएंगे तो आप क्या कहते हैं उनको? छोड़े, आप ये बताएं ऐसी सूरत हाल में शहरियों का आईनी और कानूनी फर्ज क्या है? कैसी सूरत हाल ये जैसे तुर्की में पैदा हुई, जो ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो बताऊंगा ना भाई। वैसे कानून की आईन क्या कहता है, क्या करना चाहिए? आईन बड़ा क्लियर है, सियासतदानों को क्या करना चाहिए? ये जो हक हुक्मरानी है सिविलियन का है, पार्लियामेंट का है, सिविलियन इदारों का है, तो हो गया। करना क्या चाहिए? टैंक के आगे लेट जाना चाहिए? आप लेटेंगे टैंक के आगे? आप लेटे पहले कभी? देखो बात, देखो ना, ये हाइपोथेटिकल बात। आप कभी माजी में आपने मुजाहमत की? बिल्कुल की है, मैंने बिल्कुल की है। मैंने 20 से ज्यादा जेलें काटी है। मैं इस मुल्क की शायद वाहिद आदमी हूँ, मुझे, मैं अपने मुंह से अपनी बात करता नहीं, अभी भी बहुत सारी बातें मेरे सीने में कि जो दूसरे दिन बाहर आके जिसने अपनी नौकरियां छोड़ी इस मुल्क में, ये रिवाज नहीं है। मेरे पास 22 ग्रेड की एक नौकरी थी, एक मैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर था 12 अक्टूबर 1999 को, 13 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची प्रेस क्लब की जिसमें बेशुमार लोग थे, उसमें मैंने कहा कि मैं उस गवर्नमेंट के जिन्होंने कब्जा किया था परवेज मुशर्रफ उसके खिलाफ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी दुनिया में छपी। अगले दिन मैंने मुजाहरा किया और सबको छोड़ दिया और जेल चला गया, मार खाई। तो फिर तो यही होता है ना भाई, और क्या होता है? क्या शहरियों को आपकी तरह करना चाहिए? मैं तो जाहिर है, मैं तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ किसी को कि जो मैं कर रहा हूँ उसके बरक्स करो। चले खारिया से राजा वाजिद अली ने हमें टेलीफोन किया। जी राजा वाजिद अली, सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सवाल करें जी। जी मैं मुशाहिद हुसैन साहब, जी हमारे लिए बुजुर्ग सियासतदान हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुशाहिद हुसैन साहब नहीं है, मुशाहिदुल्लाह हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुशाहिद हुसैन साहब दूसरी पार्टी में। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये
बुजुर्ग सियासतदान है और सरपरस्त भी है इस वक्त बुजुर्गों की हैसियत से ये हैसियत रखते हैं। मैं इनको ये तो नहीं कहूंगा कि कश्मीर की आप जो वहां सूरत हाल है उसको महसूस करते हैं या नहीं। मैं तो ये कहता हूं एक कश्मीरी होने के हवाले से, मेरा श्रीनगर से तलक है, कि आपको एहसास तो जरूर होगा कि वहां पे क्या हो रहा है। हर घर में एक शहीद है, एक जख्मी है और एक कैदी है। और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को जो उन्होंने वोट दिया है, तो मैं बस इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आपने तो मेरा इतना ही है कि आप बस कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों को याद रखें और कश्मीर जो है इस वक्त हमारा इशू है, चलें हम घरेलू झगड़ों में ना जाएं। चलें, इसका जवाब हम आपको दिखाते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आज की तकरीर की एक झलक से, जो सवाल आपने किया। पेश हो रहे, पेश हुए भी हैं, देखें। एक नारा मैं लगाऊंगा पाकिस्तान का, एक नारा आजाद कश्मीर का और तीसरा आजादी मकबूजा कश्मीर का। पाकिस्तान आजाद, कश्मीर आजादी मकबूजा कश्मीर, हम उनके साथ हैं, साथ हैं। हाथ खड़ा करके कहो हम उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ हैं, उनके साथ हैं, आजादी मकबूजा कश्मीर। ये थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज की तकरीर की झलक आपने देखी। मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो काफ़ी वाज़े पॉलिसी सामने आई है, मगर जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है उसको बैन अल-अक़वामी सतह पर आपकी हुकूमत अक़वामे मुत्तहिदा के लेवल पे उस तरीके से क्यों नहीं उस केस पेश कर पा रही कि जिससे भारत के ऊपर वो दबाव पड़े जिसकी तवक्को तमाम लोग पाकिस्तान में करते हैं। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक ऐसा मसला जिसको माजी की हुकूमतों ने, ख़ास तौर से मुशर्रफ की हुकूमत ने बिल्कुल पाताल में डाल दिया, मसला कश्मीर ख़त्म कर दिया था उन्होंने और नई नई 6-7 तजावीज़ दे दी थी, अब वो लंबी कहानी है। प्राइम मिनिस्टर ने आते ही 2 दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में उसको दोबारा उसी तरीके से ज़िंदा किया जो 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 उसकी रूह है कि जी ये सेल्फ डिटर्मिनेशन इनको होना चाहिए, जो वहाँ के करारदादे हैं उसके मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा अब अगर आज की बात करें, जो एट्रोसिटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, जो ब्रूटेलिटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से ये हमारे भाई ने अभी ये जो कॉल में भी बताया है, वो उनका कंसर्न ठीक है और हमें भी ज़ाहिर है मालूम है, तो उस पर जिस तरीके से हकूमत ने, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो चुके हो सकते हैं उससे उन रब्ता किया है, लेटर्स लिखे हैं, टेलीफोन पे बातें की हैं, सरताज अजीज साहब ने सेनेट में बाकायदा इस पर पूरी कल भी 2 घंटे की डिबेट हुई है और उस पर उन्होंने जवाब दिए हैं, जो जो उन्होंने किया जो मजीद कर रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ हम अपना सफीर वापस क्यों नहीं बुलाते? ये देखें, ये बातें ही होती है, सफीर वापस बुलाने से क्या होगा मुझे बताएं? बुला लिया फर्ज करें सफीर, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। असल बात क्या है, सफीर को उधर रह के मुकाबला करना चाहिए। मैं इन बातों की ये यानी कि ये एक जज्बाती सी बातें होती हैं मेरे, ये बातें होती हैं, कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर वक्त नहीं कि जी सफीर वापस बुला लो। ये मैं आपको बात बताऊं, मैं एक आपको ख़बर सुनाने लगा। देखें, ये जो जुल्म है ना जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, ये अब अपनी इंतहा पर पहुँच चुका है, अब इसका ये फैसला होने जा रहा है ये मैं आपको बता दूँ, और इसके असरात अब हिंदुस्तान में पड़ने शुरू हो गए हैं। आपको पता है इस बात का कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बिहार में हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा सूबा है वहाँ पे झंडे लगे हैं पाकिस्तान के, पता है आपको इस बात का? एक दूसरा, बम्बई में कल या परसों दलित जो है शेड्यूल कास्ट, उन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा किया है और उसमें उन्होंने अलहदा वतन का मुतालबा किया, ये भी मालूम होगा आपको। दलित ने अपने अलहदा वतन का मुतालबा किया, तो देखो उसका कश्मीर से क्या ताल्लुक होता है ना। बात यह है कि आप ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे जो शोरश है उसको हवा मिलनी चाहिए, हवा खुद मिलती है,
تو ہم اس پہ خوش رہیں گے. خوش کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس مسئلے یہ پھر آپ ماضی کی طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. ایسا نہ کریں, اتنے اہم مسئلے کو آپ اس طرح سے نہ کریں. بات یہ ہے کہ اس کو اٹھایا ہے نا پاکستان ہی, یعنی کہ ان کی اخلاقی اور سیاسی مدد کر رہا ہے نا, اور تو کوئی نہیں کر رہا. اچھا جب وہ تحریک زور پکڑتی ہے, اسی لیے کہ آپ ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے, میں صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا, سب کے لوگ کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اب وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ان کی جو تحریک ہے. آپ کی حکمران جماعت اتنا تو کر نہیں سکی کہ اتنے اہم اور حساس معاملے پہ آپ اقتدار کی جنگ تو آپ لوگ لڑتے رہے آزاد کشمیر میں, مگر تمام سیاسی جماعتوں کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف آپ ایک جھنڈے تلے اکٹھا نہیں کر سکے, کوئی مشترکہ احتجاج آپ لوگ نہیں کروا سکے آزاد کشمیر میں, ایک دن انتخابی مہم چھوڑ کے. تو آپ کی قیادت اور آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے اس میں؟ ہم نے تو چھوڑا ہے. کیا چھوڑا ہے؟ ہم نے 20 تاریخ یہ 18 کو ہم نے تو میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا نا کہ ایک دن کمپین بند کر دیں اور صرف ان کے ساتھ اظہارے یکجہتی کریں, اور کیا مظاہرے ہوئے ایک ایک جگہ, پتہ نہیں آپ نے فالو کیا ہے نہیں کیا. اگر کیا ہے ہوئے, میاں نواز شریف نے عمران خان کو اور بلاول بھٹو کو دعوت کیوں نہیں دی؟ دیکھیں یہ جو بلاول بھٹو اور عمران خان, اس میں سیاسی قیادت عمران کے ویژن بصیرت کہاں گئی؟ اور اتنے بڑے مسئلے پہ, اتنے بڑے مسئلے پہ کیوں نہیں دعوت دی؟ ان کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے نا دونوں کی, وہ کشمیر میں جا کے پناما لیک کی بات کرتے ہیں, ان کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. لیکن دو تہائی, میاں صاحب نے کہا تقریر میں کہ ہمیں اکثریت ملی ہے, وہ 3/4 ہے. ٹھیک ہے, تین چوتھائی سے بھی زیادہ ہے, تو 3/4 تو اکٹھے ہیں نا. اب تو باقی کشمیر بھی آپ آزاد کرا لیں گے؟ نہیں, آزاد کرائیں گے, کرانے والے جو انڈیجینس موومنٹ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں سعودی عرب سے کال کیے ہیں. جی اپنا نام بتائیں اور سوال کریں. سینیٹر مشاہد اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں. میں شام بول رہا ہوں سعودی عربیہ ریاض سے. جی, اور میں مشاہد اللہ صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں. وعلیکم السلام. سر جی ایک میسج ہے چھوٹا سا, اگر میرا ایک عرض بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ جنرل رائل شریف سے سر آپ یقین کریں نواز شریف کو جتنا فائدہ ہوا ہے کسی اور کو نہیں ہوا, جتنا ملک کو فائدہ ہوا ہے کسی اور کو نہیں ہوا, کیونکہ جنرل رائل کے ہوتے ہوئے کسی, آپ اگر آپ دیکھیں ایم سی ایم کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, سب کونے میں کھڑے نکر ہو گئے ایک طرح کے, مطلب ان کی کرپشن اور جو بھی ان کے سامنے آئی. تو سر اس کا ایکسٹینشن دینا جنرل رائل کو, آپ یقین کریں یہ نواز شریف کے ہاتھ میں اور ملک کے ہاتھ میں بہتر ہے, کیونکہ آپ فوج کے بارے میں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, اس لیے میں نے سمجھا کہ شاید یہی اچھا پلیٹ فارم ہے بات کرنے کے لیے. جی سر میری گزارش یہ ہے, میرا میسج انشاءاللہ پہنچ جائے گا اور آپ بھی ٹیکنیکلی, آپ کا میسج پہنچ گیا. جی مشاہد صاحب ویسے ایک آرگومنٹ ہے, کیا کہیں گے؟ ان کا میسج جنہوں نے فیصلہ کرنا ان تک پہنچ گیا ہوگا, میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے سنا بھی نہیں؟ میں نے سنا ہے, وہ لوگ کنسرن ہوتے ہیں اپنے, ان کی بات میں یہ سچائی بھی ہے کہ جنرل رائل شریف نے ایک بڑا ناقابل فراموش کردار بہرحال ادا کیا ضرب عزب میں اور دیگر کچھ جگہوں پہ, جس کی وجہ سے اور یہ ان کے اگر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ ضرب عزب اسی طرح جاری رہے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان چکروں میں اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں کوئی حاصل وصول نہیں, جاری تو رہے گی نا. سسٹم ہے بالکل, کیوں نہیں جاری رہے گی؟ یہ کوئی ایک فرد کا اسپانسرڈ تو نہیں ہے نا, یہ پوری اس کے پیچھے یہ کیسے ہوا تھا ضرب عزب؟ پارلیمنٹ نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, پھر اس کے بعد جو لا انفورسمنٹ ایجنسی, ہم نے خود, میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا تھا نا, پھر ان کو اس کے وسائل فراہم کیے گئے, پھر پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی, کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. مخالفت سے ایک ٹیلی فون کال ہے. جی اپنا نام بتائیں اور سوال. جی میرا نام نصر اللہ خان ہے. جی اب میرا نام نصر اللہ خان ہے, ابو جی سے بات کر رہا ہوں. سوال کریں آپ. جی میرا سوال ہے اپنے بزرگ سے, یہ اپنی آڈیو, آپ اپنی آواز کم کریں گے تو آپ کو ہماری آواز آئے گی. ٹی وی کی آواز کم کریں آپ. جی 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 میرا سوال ہے اپنے بزرگ سیاستدان سے, سیاستدان دنیا میں کس کو کہتے ہیں؟ کیا ملک کے جو ادارے کے اوپر جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے,
उस चीज को जानता है तो उस अदारे के ऊपर होना चाहिए। अगर एक फील्ड को आदमी जानता भी नहीं है, उस अदारे का सर बड़ा बनाया जाता है, तो क्या वो अदारा ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता? अपनी मैं भी एक मुस्लिम लीग को एक दफा जिंदगी में टिकट मोड़ लगाया, लेकिन उसके खिलाफ जिंदगी भर हम देख रहे हैं, लेकिन आज तक 20 साल से ऊपर हम बाहर रहते हैं, लेकिन हमने कोई पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो फील्ड को किसी को जानते नहीं है, खाली जगीरदार हैं, पैसे वाले बन गए हैं, इसके लिए ऊपर बैठते हैं। इसके लिए क्या टेक्नीशियन आदमी का जरूरत होता है? जो आदमी जिस फील्ड को जानता है उसको ऊपर होना चाहिए, इसलिए ऊपर वो तब जा सकता है। आप सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब की फील्ड के हवाले से कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी कोई भी आदमी अपना अदारे के ऊपर जो भी है, भाई लोग बैठे हैं, इनको बिल्कुल से अपने अदारे नहीं, आपको आपको एतराज किस पे है? एतराज किस पे आपको? मेरा एतराज अपने सारे जितने भी ये भाई जान लोग बैठे हैं इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि हमारे हमारे कोई भी अदारे के ऊपर कोई भी वो फील्ड को नहीं जानता। सर वैसे आपकी फील्ड क्या है? मेरी जो भी फील्ड है, लेकिन मैं इनकी बात में एक बड़ा वजन सा है, मैं आपको बताता हूँ। ये कहना ये चाहते हैं कि डॉक्टर का काम डॉक्टर को, इंजीनियर का इंजीनियर को, जोरी का जोरी और को, हड्डियों के डॉक्टर के हड्डियों मोची का मोची को। अब देखो ना, मोची का काम डॉक्टर का, मोची का काम जोरी नहीं कर सकता, जोरी का मोची नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर का काम साफी नहीं कर सकता, साफी का काम डॉक्टर नहीं। तो ये कहने का, कई डॉक्टर हैं जो साफत कर रहे हैं, लेकिन वो साफत कर रहे हैं फिर डॉक्टर नहीं कर रहे हैं ना। तो चीज ये है कि इनकी बात बड़ी सही है कि जो जिसका काम उसी को साजे। चले तो मैं इसे इत्तफाक करता हूँ। चले अच्छा, अब वापस हम आते हैं, इमरान खान साहब ने जो मिठाई बांटने की बात की है, किस हद तक दुरुस्त है? लेकिन बात ये, उनसे आप किस बात की और तवक्को रख सकते हैं? ये पहले उन्होंने पहले भी मिठाई बांट चुके हैं। परवेज मुशर्रफ जब आया था तो उन्होंने आके बढ़ के वेलकम किया था, मिठाइयाँ बांटी थी, हालांकि मिठाइयाँ चंद लोग बांटते हैं बल्कि उनसे बंटवाई जाती हैं, ठीक है। अगर मिठाई बांटने वाले अवाम की नुमाइंदगी जेन्युइनली कर रहे हो ना, तो जिनके खिलाफ मिठाई बढ़ती है वो दोबारा बरसर इख्तदार ना आए कभी। यहाँ पे जिन लोगों के जाने पे मिठाइयाँ बटी, जिन्होंने बांटी, वही लोग वापस आए इख्तदार में। इसका मतलब है कि ये मिठाई मसनूई मसला है। अच्छा, इमरान खान ने परवेज मुशर्रफ के आने पे मिठाइयाँ बांटी, नवाज शरीफ के जाने पे पहले भी, तो अब भी पीछे जो 2 साल पहले 14 में धरने में जो कुछ वो करते रहे, अभी उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं? दुनिया में इमरान खान वाहिद आदमी है जो इस तरह का बयान देता है, और कोई दे ही नहीं सकता इस तरह की। ये जो बात है कि जी मिठाई बांटेंगे, फिर वो मुनकर भी हो जाते हैं अगले दिन जाके। चले अच्छा, ये बताएं अगर उनको अभी मौका मिले तो आपके ख्याल में वो फिर मिठाइयाँ बांटेंगे? खान साहब देखिए, मैं आपको एक बात, अगर अभी मौका मिले तो वो तैयार हैं आपके ख्याल में? देखिए, कुछ लोग हैं जिसमें पीटीआई तो सर फहरिस्त है, इमरान खान भी हैं और इनके कुछ लोग हैं, कुछ और पीपल पार्टी में बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन पंजाब के उनके कुछ हैं, ये चौधरी एतजाज एहसन वगैरह हो गए, ये आपकी पार्टी में भी कुछ होंगे? नहीं नहीं, जो तैयार बैठे होंगे मिठाई खाने के लिए। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, ये इस हकूमत को या नवाज शरीफ को हटा तो सकते नहीं। अवाम इन्हें मुस्तरद बार बार करते हैं, एक दफ़ा नहीं करते, अब ये जुगाड़ लगाना चाहते हैं कि ये नवाज शरीफ के खून के प्यासे हैं, ठीक है। अवाम इनको मुस्तरद रोज़ाना करते हैं। जुगाड़ कैसे लगाना चाहते हैं? जुगाड़ इसी तरह से लगाना चाहते हैं कि जी मिठाइयाँ बांटेंगे। मिठाइयाँ बांटने का मतलब ये है कि ये दावत दे रहे हैं किसी को। किसको? मतलब किसको दावत? वो अंपायर कौन था? तो ये जो बातें करते हैं, और फिर ये कहना कि जी कल को अगर कोई गैर जमहूरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, यही जुगाड़ होती है, समझ गए? ये जुगाड़ लगा के इख्तदार में नहीं आ सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से कि वो किस हद तक कामयाब हो सकता है, और अभी 7 और 8 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने दी है उस पर कुरान जमात का क्या रद्द अमल हो सकता है, एक वक्त फिर। कश्मीर शारदा डिस्ट्रिक्ट नीलम से बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल करें प्लीज। क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये आपके साथ हमारे मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान बैठे हुए हैं अपने मुशाहिदुल्लाह साहब जी, इनसे क्वेश्चन है हमारा कि जो रिसेंट हमारे आए इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जो इंतहाई मौसर अंदाज में आज़ाद कश्मीर में क्लीन स्वीप किया है, हालांकि इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेके यहाँ भी आए थे लेकिन अवाम ने उसको रिजेक्ट किया। आप कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो बताएं प्लीज।
जी जी क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इन इस हवाले से क्वेश्चन मेरा ये है कि आज़ाद कश्मीर के लिए हमारी वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी वफाकी गवर्नमेंट से आज़ाद कश्मीर के लिए क्या बड़ा तोहफा होगा? जो चले वो तोहफे तो आपने सुन लिया, आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तोहफों के अंबार लगा दिए। बहुत शुक्रिया आपने सवाल करने का। मुशाहदुल्लाह साहब, ये तो कश्मीर की बात तो हो गई और वज़ीर आज़म की तकरीर भी आज होगी, बड़े बड़े मनसूबों का ऐलान भी कर दिया। ये बताएं कि ये जो 7 और 8 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ जमहूरियत के असूलों के हवाले से कोई इख्तलाफात हैं या सियासी मुफादात के हवाले से इख्तलाफात हैं? देखें जी, इनके इख्तलाफ जो हैं वो तो वो उस पर खुद यानी कि रोशनी डालेंगे। मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ। दोनों में से बेहतर कौन है, जमहूरी क्रेडेंशियल्स किसके ज़्यादा हैं? ज़ाहिर है पीपल पार्टी के ज़्यादा हैं। अच्छा। उन्होंने जद्दोजहद की है, मारे खाई हैं, ये तो मम्मी डैडी पार्टी है इनका, ना आगा ना कोई पीछा है इनके, सारे करप्ट लोग इकट्ठे किए हुए हैं और हमारे या उनकी पार्टियों के जो रांदाए दरगाह अल यतामा वल मसाकीन वो इनकी पार्टी में है ना, तो कोई नया चेहरा हो अगर हो तो आप मुझे बता दें। तो बात ये है, देखें ये जो कल इलेक्शन हुआ है ना, मैं सारे इलेक्शनों की बात नहीं करता, हर इलेक्शन में इनका ग्राफ गिरता है। कल लेकिन पता है क्या हुआ, जो 2 सीटें मिली हैं इमरान खान को वो आज़ाद कश्मीर में से नहीं मिली, एक पेशावर से मिली है, और 1 सीट जो लाहौर से मिली है वो 4 दफ़ा पहले भी इलेक्ट हो चुके हैं, वो चौधरी सुल्तान की पार्टी के थे जो पहले पार्टी में। हाँ, तो इन्हें तो मतलब 100% रिजेक्ट कर दिया है ना। अब एक रिजेक्टेड आदमी कहेगा जी मैंने धरना करना है, तो मैं पहले भी एक बात कहता था, आज भी कहता हूँ, इनका हिडन एजेंडा है और वो एजेंडा ये सी पैक के ख़िलाफ़ है और इस मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ है। देखें इन धरनों वरनों से, इन बयानों से सियासी तौर पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो इन्वेस्टर होता है वो गैर मुतजलजल होता है ज़रूर, उसका जहन ठीक है। और जैसे पहले चाइना के सदर का रास्ता रोका गया और कई 100 अरब रुपए 800 अरब कहते हैं कि नुकसान हुआ पिछले धरने की वजह से, तो इस तरह का ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये एजेंडा जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का है कि ये किसी तरीके से ये सी पैक वाला जो मसला है इसको सबूटाइज किया जाए। अच्छा, वो लोगों के ज़रिए से होगा ना, किसी कभी ताहिरुल कादरी को पकड़ेंगे, कभी किसी को। अच्छा, ये जो पनामा का स्कैंडल था ये भी कोई सीपैक के खिलाफ साजिश थी, बैनुल-अक़वामी साजिश? पनामा का स्कैंडल अगर था, पहली बात तो ये है कि पनामा की बात पूरी दुनिया में अब नहीं हो रही, बहुत अरसे से बात हो या ना हो वो स्कैंडल तो अपनी जगह मौजूद है, स्कैंडल है ही नहीं तो कोई मायार नहीं। क्या स्कैंडल, बड़े संगीन इल्जाम, कोई संगीन इल्जाम ही नहीं है। तो क्या वो भी कोई साजिश थी? साजिश हो या ना उसको छोड़ दे, हाँ चाइना के सदर का नाम है, रशिया के सदर का है, बाकी किसी का नहीं है, अमेरिका बिल्कुल साथ है उसके, किसी एक अमेरिका का नहीं है, सारी दौलत वहाँ पे है। और नंबर 2 बात है क्या कि जी ऑफशोर कंपनियाँ, उसी में लिखा हुआ है कि ऑफशोर कंपनियाँ गैर कानूनी नहीं होती, ये टैक्स चोरी के लिए नहीं होती, टैक्स एवेजन के लिए होती हैं। 2 बच्चों के नाम हैं, बाकी सारे अपोजिशन के लोगों के नाम हैं, खप डाली हुई है। और यानी कि इस मुल्क तो आप तहकीकात नहीं कराएंगे? तहकीकात मेरी ज़ात के मुताबिक तो ये वही जुगाड़ जुगाड़ू नहीं, लेकिन किसका जुगाड़ लगा हुआ है? और जुगाड़ लगा हुआ है ना कि जी बस ये कर देंगे, मतलब के देखे ना ये, यानी के आसमान के नज़दीक ये जो पनामा के हवाले से 450 शख्सियात और कंपनियों के हवाले से नाम आए हैं, तो आवाम को नज़रअंदाज कर देना चाहिए सारे लोगों के। क्या नाम है? नवाज शरीफ की फैमिली नहीं है, नाम 450 के करीब नाम क्या है? आम शहरी हैं, बिजनेसमैन हैं, कराची के पॉलिटिशियन क्या हैं भाई? वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के नाम है। ओहो, मेरी बात सुने, नाम तो हैं ऑफशोर कंपनियों के हवाले से, पैसा नाजायज तौर पे पाकिस्तान से बाहर जाने का, ये कोई ऐसी बात नहीं है कहीं, ये आपकी तहकीकात तो होनी चाहिए। आप अपने पास से कोई बात नहीं, असासे बने कहां से? नहीं, असासे जहां से भी बने, जो बात पहले पनामा लीक पे रहे, इधर से हटे ना तो ठीक है। पनामा लीक में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि नाजायज तरीके से आए, बल्कि उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सारा जायज है। देखिए जो बात नहीं, वो तो ऑफशोर कंपनियों का जायज है ना, लेकिन बाकी बाकी इसका मतलब भूल जाए 450 कोई ना भूले, सिर्फ कोई ना भूले नवाज शरीफ साहब की फैमिली का नाम है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं, नवाज शरीफ तो वाहिद आदमी है जिसने कहा कि मेरे बच्चे जुडिशियल फोरम पे, नवाज शरीफ ने कहा कि उनके बच्चे डिफेंड करेंगे। बनाए ना, क्यों नहीं बनाया अभी तक? बना रहे हैं ना, तो वो भाग रहे हैं, मतलब अभी आ जाएंगे ना दोनों के लिए। आप कह रहे थे इशू नहीं है, अपोजिशन भाग रही है, अभी आप कह रहे थे इशू नहीं है, तो हमने तो पहले भी कमीशन बनाया था
वो जो देखो ना धांधली की बातें की, चार हल्के फलाने कमीशन बनाया उनका, ये गलत कहते हैं सारे, फिर इन्होंने उसको नहीं माना। अच्छा, अगर आप होते तो आप तो कमीशन भी ना बनाते ना। मैं तो नहीं बनाता इसलिए इसलिए कि देखें इसमें कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। किसके? अच्छा, जिन लोगों का डायरेक्टली नाम है, डायरेक्टली बड़े बड़े मुल्कों के सदूर का, उन्होंने उठा के फेंका रद्दी में। आइसलैंड के वजीर आजम ने, आइसलैंड का वो बड़ा मुल्क है, 2,49,000 है ना, असूल की बात है, उसका डायरेक्टली नाम है, जो भी उसकी फैमिली के मेंबर्स, भाई नाम है ना उसका, नवाज शरीफ का तो नाम नहीं है ना भाई, तो उसकी फैमिली मेंबर्स तो हैं, वो फैमिली मेंबर्स का यार मुझे आप, अच्छा नहीं आप कहते हैं अगर नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है तो तहकीकात होनी नहीं चाहिए, फैमिली के मेंबर्स तो तहकीकात होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया, लेकिन उनके बच्चों पे किसी भी किस्म की करप्शन का इल्जाम तो नहीं है ना, सिर्फ ऑफशोर कंपनी है। अब आप कर ले ना तहकीकात, हम उनसे कहते हैं करो तहकीकात, वो भाग जाते हैं, क्यों? इल्जाम है, देखो साबित नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन के ही लोग हैं सारे, इसलिए वो भाग रहे हैं। फंसना तो उन लोगों ने, हमारा तो ना किसी वजीर का नाम है, ना किसी हुकूमती अहदेदार का, ना कमीशन जो नहीं बन रहा, ये किसकी वजह से नहीं बन रहा? अपोजिशन की वजह से, और किसकी वजह से? अव्वल तो ये बिल्कुल ये कोई इशू है ही नहीं, अगर इशू होता तो इमरान खान को इतनी बुरी शिकस्त, देखें असल फैसला अवाम करते हैं, वो कल कर चुके हैं, पनामा पनामा करते रहे ना आज़ाद कश्मीर में जाके हर रोज़, उन्होंने उठा के चल निकल इधरों, बात ख़त्म हो गई ना, तो अवाम ने फैसला कर दिया। अगर आप कमीशनों के फैसले नहीं मानेंगे तो अवाम के तो मानो ना भाई, अवाम को तो मानना चाहिए ना फैसला, तो पीपल पार्टी को भी मानना चाहिए, वो जो वलवला अंगेज ख्याल बताएं। आप 7-8 अगस्त को अगर इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं और लोग बाहर आते हैं तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा? क्योंकि इस बार आपको दूसरी सियासी जमातें भी शायद इमरान खान के मुखालफ नज़र नहीं आएंगी, हो सकता है उनके साथ बिलावल भुट्टो और इमरान खान कंटेनर पे खड़े हों, देखें तो अब वो पहले वाले हिसाब नहीं है धरने का, बेशक ना हो या हो, ये तो जब मतलब के 9 मन तेल होगा तो राजा नाचेगी और सारी दुनिया देखेगी, ठीक है, लेकिन 9 मन तेल नज़र आया आज़ाद कश्मीर में? 9 छटाक भी नहीं नज़र आया ना पीपल पार्टी के पास नजर आया। कश्मीर में तो ये इशू नहीं था ना। बात सुने ना, और आजाद कश्मीर में इसी करप्शन की इल्जामात की वजह से पीपल पार्टी मुस्तरद हुई है, आपको मालूम है ना इस बात का? हाँ, तो इसमें भी ये और वो हुक्मरान जमात को मुस्तरद किया गया है, और यहाँ पाकिस्तान में जो इंतखाबात होंगे तो वो भी हुक्मरान जमात की कारकर्दगी के हवाले से फैसला, हुक्मरान जमात जो यहाँ पे है वही आजाद कश्मीर में जीती है ना भाई, कोई और पार्टी तो नहीं आजाद कश्मीर में। अगर ये इल्जाम इनके दुरुस्त होते तो वहाँ पे हम ना जीतते ना, गिलगित में ना जीते ना, लोकल पार्टी में ना जीते, पाकिस्तान में तो है ना, ये हमारे खिलाफ वहाँ जाके इल्जाम लगा रहे थे, तो इन्हें जीतना चाहिए था ना, हमें तो हारना चाहिए। हुक्मरान नहीं थी ना, उन्हें वो तो हुक्मरानों के हाथों तंग थे। तो देखे ना, मैं कह रहा हूँ 9 छटाक तेल नहीं है, राधा को नचाने के चक्कर में है, नहीं नाचेगी, 7 हो या 8 हो या इससे पहले हो। बहरहाल कमीशन आप नहीं बनाएंगे? हम तो बनाने को तैयार हैं, हमने तो खुद कहा है ना, ऑफर किया तो भाई। बना दें आप, किस भाई बात ये, का ये इस चक्कर में है ही नहीं ना, ये देखो ना, पहले धांधली इनका इशू था ना, पनामा इनका इशू है, इनका इशू सी पैक है, इनका इशू इस मईशत के पहिए को रोकना है, वो हम नहीं रुकने देंगे, वो आप मईशत के पहिए को नहीं रोकने देंगे। नहीं रुकने देंगे इंशाल्लाह ताला। सी पैक की 1,000 किलोमीटर मगरबी रूट की सड़कें बन चुकी हैं इनकी सारी शोर शराबे के। शेख रशीद साहब कह रहे हैं सी पैक के मंसूबे भी आहिस्ता 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 हो रहे हैं और रुकावटें अखबारों में छपी हैं। डॉन में सी पैक के हवाले से पावर हाउस जो है वहाँ पे रुका है काम। आपके प्रोग्राम का मियार इतना गिर गया है कि आप शेख रशीद की बातों पे मुझसे तबसरे ले रहे हैं? वो एक सियासतदान है। क्या सियासतदान है? बड़े मतलब आम सियासतदान कौन से आम सियासतदान है? मतलब के वो इंतजार में बैठे हुए हैं। चले मैं फिर आपको अंग्रेजी रोजनामा डॉन की बात बता रहा हूँ, उसमें छपे हैं कि पावर हाउसेज रुके हैं सी पैक के, और उसमें ये भी कहा गया है कि चाइनीज ये चाहते हैं कि सी पैक का कंट्रोल जो है वो अफवाज पाकिस्तान के पास हो। बात यह है, मैं अब बताता हूँ इसका जवाब आपको देता हूँ। चाइनीज ये कहते नहीं, पहले फौज की तरफ आ जाए। फौज ये कहती है, राहिल शरीफ ने ये बार बार रिपीटेडली कहा है कि हम हर कीमत पे सी पैक को बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, ठीक है। चाइना ये कह रहा है कि जितनी, अच्छा वो क्या किरदार होगा फौज का? बुनियादी तौर पे उन्हें जो काम वो कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी देना। चाइनी सफीर ने कल क्या कहा है कि जी ज़बरदस्त तरीके से सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि इस तरह की बातों की क्या ज़रूरत है? कोई ऐसे इख्तलाफात तो नहीं है एक पेज पे? मैं बता रहा हूँ ना,
वो पेच पे हो या ना हो, पेच वेच पे कभी भी नहीं होते, होना भी नहीं चाहिए। पेच कोई चीज़ नहीं होती, ये ऐसी मतलब के लगी बंदी पुरानी बातें हैं, यानी कि आप पेच को छोड़ें। बात ये है कि वो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चाइना हो, फौज हो, पार्लियामेंट हो, दीगर सियासी जमातें हो, अपोजिशन की पार्टियां हो, सारे चाहते हैं कि सीपैक बने। एक दो जो हिडन एजेंडे वाले हैं, जो मुआवजा लेते हैं उस पे काम करने का, जो माजी में भी ले चुके हैं, वो मतलब अच्छा आखिर में एक ये जो अब एहतजाज तहरीक इंसाफ करने जा रही है, क्या इसमें वो पहले वाले धरने की कोई साजिश की बू आपको नजर आती है? देखें बात यह है कि अब आपने कहा ना भी अगर हो ना साजिश, फिर भी लोग साजिश, ये इनका रिकॉर्ड खराब है ना बड़ा। अच्छा, और आप इसका फायदा उठाएंगे? नहीं, फायदा उठाने की जरूरत है नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि अवाम इनके साथ नहीं है। चले अवाम इनको बार ये मुंह का बल चले, ये नहीं, आखिरी जुमला सुन लें, ये खाली ये नहीं गिरते। हर चौथे दिन जब कोई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन होता है, लोकल बॉडीज होती है, तो ये और इनके सपोर्टर वो जाली तजिया को भी मीडिया का एक हिस्सा, वो बढ़ चढ़ के इनकी सपोर्ट करते हैं, फिर मुंह के बल गिरे हुए होते। चले मुशादुल्ला साहब, लोकल आम गिराते हैं, हम नहीं गिराते। लोकल बॉडीज का क्रेडिट भी आपने ले दिया, मगर लोकल बॉडीज भी अभी लूली लंगड़ी गुंगी बैरी अंधी जो है वो फिर रही है। बड़े नहीं, बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशादुल्ला साहब, ने मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात की। 7 और 8 अगस्त भी ज्यादा दूर नहीं, और फिर भी सेनेटर मुशादुल्ला साहब हमारे पास होंगे। मतीउल्लाह जान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।